एक मासूम नन्हे बच्चे की जुबान पर आने वाला पहला लफ्ज होता है माँ। इन गुनहगारों के मुंह से मरते वक्त भी जो शब्द निकलता है वो आखिरी शब्द माँ होता है। कोतवाल रामचंद्र, जयराज, बूट वाले कुमार, कसाई फैयाज, अब्दुल सनकी, साधु शेट्टी और ऐसे कई खतरनाक गुंडों के मुंह से मरते वक्त जो आखिरी शब्द निकला वो भी था माँ। सभी माओं की तरह कोतवाल की माँ ने भी एक सपना देखा था कि उसका बेटा भगवान राम की तरह बने। जयराज की माँ का सपना भी था कि उसका बेटा राजा भोज की तरह जिंदगी गुजारे। बूट हाउस कुमार की माँ ने भी एक सपना देखा था कि उसका बेटा एक बहुत बड़ा इंजीनियर बने। लेकिन इन गुंडों की किसी भी माँ का सपना साकार नहीं हुआ। शहर से कहीं दूर एक छोटा सा कस्बा रामपुर, वहाँ पर भी एक माँ थी जिसने एक सपना देखा कि उसका बेटा अच्छी तालीम हासिल करे और दुनिया में अपना एक मुकाम बनाए। आज उस माँ और बेटे की दर्द भरी दास्तान मैं आपको सुनाता हूँ। ये दास्तान सन 1982 की है। नमस्कार, आइए। नमस्ते रामराज जी। आइए सोहन जी, आप ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ। बाकी लोग कहाँ हैं? वो आ रहे हैं। आपके घर का कोई भी शुभ कार्य गांव के लिए त्योहार के बराबर है। ये है रामराज जी, हमारे नायक के पिता। नमस्ते। ये बहुत बड़े जमींदार हैं। इनके पास 148 एकड़ खेत हैं, 80 एकड़ फलों का बगीचा है, बेंगलोर में भी एक अगरबत्ती की फैक्ट्री है। बहुत ही दयालु और भले इंसान है रामराज जी। नमस्ते रामराज जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। घर में सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश। बच्चे को ले आइए। ये है हमारे नायक की माँ, इनका नाम है पार्वती, इस घर की महालक्ष्मी। समुद्र वसने देवी परत स्तन मंगले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादशमस्तं नमस्तुमे। ओम नमो नारायणाय। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। नाम करण करिष्यः। बच्चे के कान में उसका नाम बोलिए, तीन बार नाम बोलिए। आजा। सो 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 सो। 5 साल तक अपने माता पिता की छत्र छाया में रहकर हंस खेल कर जिंदगी बिताता है और 6वें साल में कदम रखते ही मुंबई के इस श्री शारदा स्त्री समाज स्कूल में भर्ती होता है। सोम के पिता रामराज जी की श्री राम परफ्यूम वर्क्स की अगरबत्ती फैक्ट्री शारदा स्कूल के करीब होने की वजह से सोम की पढ़ाई इसी स्कूल से शुरू की गई। उसके साथ बचपन से कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे दो दोस्त राजशेखर और पकिया। वो तीनों सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, खेल और स्कूल से संबंधित हर चीज में आगे थे। मिडिल स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सोम न्यू फोर्ट हाई स्कूल में भर्ती हुआ और इसमें सोम 10वीं की परीक्षा में फर्स्ट रैंक भी लाया। 10वीं के एग्जाम में रैंक लाने के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। थैंक्स पापा। बैठो बेटा। इसी तरह पढ़ते रहना बेटा। ठीक है पापा। बचपन की दुनिया से निकलकर जवानी की दुनिया में कदम रखकर सोम भर्ती हुआ मुंबई के नेशनल कॉलेज में। कॉलेज में
में सोम पढ़ाई में, खेल में और अपने शांत और नेक स्वभाव के लिए काफी जाना जाता था। पूरे कॉलेज का नंबर वन स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट और मॉडल स्टूडेंट हुआ करता था। हर रोज उस कॉलेज में चंदू नाम का एक लड़का आता था। स्टूडेंट्स को डरा धमका कर उनकी चीजें छीन लिया करता था। ओए, तुझे चश्मे की क्या जरूरत है, तू पहन ले, अच्छी लगती है। हाय जूली, तू कितनी मस्त लग रही है ना मेरी जान। ओए, खजूर कहीं के खुद को हीरो समझता है क्या? हाँ, कॉलेज में पढ़ने आते हो या स्टाइल मारने आते हो? ए, क्या रे हीरो, इस कॉलेज में नंबर वन मैं ही हूँ। वन टू का फोर। मोगरा, मैसूर मोगरा, इस चंद्र कुमार की चंद्रमुखी ढिंग चिक्की। अरे बापरे, ऐ क्या कर रहा है तू? वो मैं टाइम टेबल देख रहा था। टाइम टेबल देखकर तू क्या करेगा? नहीं शेकर। बच्चन, ज्यादा उछल मत। मैं बोला ज्यादा उछल मत। ठीक है ठीक है ठीक है। ऐ कितने पड़े हैं तेरे जेब में? कुछ नहीं है सर। कुछ भी नहीं है तो फटीचर की तरह कॉलेज में फटीचर की तरह क्यों आते हो? देखो भाई को, भाई को देख बे। ये चैन देख, ये ले मेरी तरफ से गिफ्ट। ये भी रख ले बोला ना। ये उठा चल, इसे रख कर रात में बियर वियर मार के आराम से एंजॉय कर। पुअर चिल्ड्रेन। मोड़े नहीं शेखर। ऐ पंगा मत लेना मुझसे। ऐ आया बड़ा दादागिरी करने। शेखर, ये जिस किसी का भी है उसे वापस कर दो। अरे तू इस तरह चुपचाप क्यों है? अरे यार, जब कॉलेज में पढ़ते हो तो कॉलेज को सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा ना। अरे यार, देख नहीं रहे हमारा कॉलेज हार रहा है, फिर बेकार में मैं उन्हें सपोर्ट क्यों करूं? इस बार भी आरवी कॉलेज ही मैं जीतेगा। वो कैसे? मणि जो उसकी टीम में है, उसके होते हुए हमारा कॉलेज टूर्नामेंट नहीं जीत सकता। मणि? कौन मणि? वो रहा मणि, बाबा का भाई। बाबा कौन है? जयराज नाम का एक बहुत बड़ा भाई था, पता है तुम्हें? उस जयराज को इसी ने जान से मारा है। राजेंद्र खत्री और बाबा राव नाम के दो खतरनाक गुंडे हैं, उसमें से बाबा राव का छोटा भाई ये मणि है। ये पहले तो चुपचाप रहता है, बाद में दिखाता है अपना खेल। देखा? आजा, देखता हूँ तुझे। मणि, बच्चे हो तुम लोग, कबड्डी कैसे खेलते हैं ये देख। देखना अब होगा असली कबड्डी का खेल। अब खेलना है तो ठीक से खेला कर। हाँ।
तूने बोला ना? मैंने नहीं बोला। तूने बोला ना? मैंने नहीं बोला। ए भाई मैंने नहीं बोला। तूने बोला ना? सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने नहीं बोला। जात की। चल बके। ए रोक साले, कहाँ भाग रहा है? साले भीड़ में बोलेगा तो पता नहीं चलेगा, ये समझ रहा था? हम लोगों ने नहीं बोला। एड़ा समझा क्या? ज्यादा शाना बनने की कोशिश मत कर। तूने बोला, तू नहीं बोला है। सर मैंने कहा ना, हम लोगों ने नहीं बोला। चल पके। ज्यादा कहाँ है बे? क्या सर, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? सर मैंने नहीं बोला, मुझे क्यों मार रहे हो? जब तक नहीं बताएगा तुझे पड़ती रहेगी साले। ए घुरता क्या है बे? सर बस कीजिए सर। क्या करेगा बे? मणि। क्या रे, मेरा नाम लेता है? मर्दानगी दिखाने के लिए ताकत होनी चाहिए। जरा फिर से बोलना। तेरी सोम का किया हुआ वार बहुत खतरनाक था। उसने मणि को जिस तरह मारा उससे सारे अंडरवर्ल्ड में तहलका मच गया। यशोद भैया, बाबा के भाई के क्यों मार देलस? राजा भैया, हम बल्दी बोला थे। हाँ बोल। बाबा के भाई के ऊपर वार फैला। ओके जे जे हॉस्पिटल भर्ती के लिए बनी, तो जल्दी आ जा भैया। भाई अभी कभी बात नहीं कर पाएगा। भाई उसने इसकी आधी जुबान ही काट डाली। कौन था वो? सोम नाम है, नेशनल कॉलेज में पढ़ा था। उसे हम हर जगह ढूंढ रहे हैं बाबा। ढूंढ कर लाओ उसे। शहर का चप्पा चप्पा छान मारा पर वो कहीं नहीं मिला। भाई हर जगह खबर पहुंचा दी है मगर वो बचकर कहीं नहीं जा पाएगा। कहां गया होगा वो? बाबा मैं यहां हूं। अच्छा नहीं किया, मेरा भाई पूरी जिंदगी भर नहीं बोल पाएगा। अच्छा हुआ वो दोबारा किसी की मां को गाली नहीं देगा। मुंह में जबान है इसलिए मां को गाली देना गलत बात है। तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा है? मुझसे पूरा शहर डरता है। ऐसे में भी तेरे दिल में जरा भी डर नहीं है? मेरे हाथ में छुरा है और तेरे चेहरे पे शिकन भी नहीं है। मैं अपने बाप के अलावा
और किसी से नहीं डरता। मौत तो एक ना एक दिन सबको आनी है, तो फिर डर कैसा? मेरी गलती ना होते हुए तेरे भाई ने मुझे मारा और मैंने मार खा ली, लेकिन जब उसने मेरी माँ को गाली दी उसे मार दिया मैंने। अगर तुम भी माँ की गाली दोगे तो तुम्हें भी मार दूंगा मैं। बाबा, बाबा रोका। भाई से जिंदा मत छोड़ना। मार बाबा उसे, मार जान से मार। बहुत बड़ा जिगर है, दिलेर है तू। छोड़ दिया, चल जा। भाई, अपने दुश्मन का खून पीने के बजाय उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया भाई? मुझे उसका स्टाइल बहुत पसंद आया। उसके जिगर में दम है, एक ना एक दिन वो बहुत आगे जाएगा, तब वो इस बाबा के बहुत काम आएगा। उसका नाम क्या था? सोम, भूलना मत। ये लो, मैं आ गया अपना रंग जमाने। हैं? क्या है ये, पुरानी फिल्मों की हीरोइन की तरह गेटअप डाल के आई हो? उतारो इसे। ए, उतारो इसे। ए, जरा इसे पकड़ दो। हाँ उतारो। ले मार। ए, देखो हमें तो लूट लिया मिलकर। सलाम अलैकुम। ये क्या लड़की की तरह बात कर रहे हो? हाँ चल निकल यहाँ से। ए, चल निकल यहाँ से, बोला ना चल। तुम मेरे साथ आओ। आया हूँ रंग जमाने, सबका दिल बहलाने। तुम बैठ जाओ महारानी, देखो धूप में खड़ी होकर कितनी काली हो गई हो। यहाँ आराम से छाँव में बैठकर अरे तुम लोग खड़े क्यों हो गए? ठीक है, ये थोबड़े पर मार्क कैसा है? देखो यहाँ सब पत्थर पर बैठे हैं और तुम हीरो की तरह बाइक पर बैठकर पोज दे रहे हो, पोज दे रहे हो। समझते क्या हो अपने आप को? चंदू, इसी ने बाबा के भाई मनी को कबड्डी में मारा था। ये बहुत खतरनाक आदमी है, इससे बच के रहना चंदू। कोई किसी को भी मारे, मुझे उससे क्या है? मनी को मारा। हे भगवान, सोम भैया, मेरा सोम भैया। भैया मैंने तुम्हें कोई मामूली चीज समझकर मैंने औकात से बाहर बोल दिया था भाई। तुम्हारे अंदर जबरदस्त ताकत है भाई, मैं नहीं जानता था भाई, मुझसे गलती हो गई भाई। ये सब क्या लगा के घूम रहे हो? भाई भाई भाई, ये मेरा कुछ भी नहीं है भाई। परसों मैंने चोर बाजार में थोड़ी सी मेहनत मजदूरी की थी भाई। भाई भाई तुम्हें चाहिए क्या भाई? ले लो भाई, ले लो भाई। भाई 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 नहीं भाई, मनी पर पड़े उस एक ही एक फटके से पूरी मुंबई थर 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 थराने लगी थी भाई। भाई नहीं सो भाई, मेरे सोम भाई मुझे माफ कर दो सोम भाई। कौन है? अरे माँ, शर्म कहीं को, इतने दिनों के बाद मेरी याद आई है। हाँ कहाँ ना, अपनी माँ की जरा भी फिक्र नहीं है तेरे को। मेरे दोस्त आए, नालायक कहीं का, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नालायक कहीं का, वो देखो माँ, वो देखो। नमस्ते माँ जी। नमस्कार बेटा, तुमने मुझे माँ कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा। घर छोटा है यही देख रहे हो ना, यही पैदा हुई पली बड़ी, पति के साथ जिंदगी भी बिताई, सब कुछ यही पर ही है। मैं तो तंग आ गई हूँ इससे, कब कहाँ होता है क्या करता है, बस भगवान ही मालिक है इसका। बड़े लाड से पाला है इसको, पर इसे मेरी फिक्र ही कहाँ है, हाथी कहीं का। आस पड़ोस वाले आकर कहते हैं, माँ जी आपके बेटे का खून बह रहा है, उसे अस्पताल लेकर गए हैं। इसी तरह किसी और दिन कोई और आकर कहता है, माँ जी आपके बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई है, वो जेल में बंद है, जाकर उसे जल्दी से छुड़ा लाइए। मुझे समझ में नहीं आता मैं इसका क्या करूं, मुझे हर वक्त इसकी ही चिंता लगी रहती है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, चंदू कल से एक अलग ही जिंदगी जिएगा। आज के बाद ये चंदू अकेला नहीं रहेगा, हम सब इसके भाई जैसे हैं। खाओ बेटा। वहाँ 5 चाय दी, 2.5 रुपए के हिसाब से 12.5 रुपए हुए। अरे सोम भैया। हाय लंबू। हाय छोटू। हे तुम कब आए, इतने दिन कहाँ थे, तुम दिखाई ही नहीं दिए। hey,
क्या कह रहा है बे? चंदू, आज से छोटू भी तुम्हारा दोस्त है। हेलो फ्रेंड। हाय छोटू। हाँ पीछे भी। ये सब रहने दो, इधर आओ। ये लो, तुम्हारे लिए है। एक नया शर्ट? हाँ। मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। हे, पुरानी शर्ट उतार। वाह वाह, टंटन, झक्कास है। कैसा लगा संभैया का गिफ्ट? हीरो लग रहा है। चल सुन, अब हम सबको कॉफी पिला दे। अभी पिलाता हूँ। अगर दिल के दरवाजे पर जब कोई प्यार दस्तक देता है, तब उस प्यार का स्वागत करके उसे दिल में बसा लेना चाहिए, क्योंकि उस प्यार को नजरअंदाज करने से आप वो प्यार हमेशा के लिए खो सकते हैं। ये प्यार बहुत अनमोल होता है, सिर्फ नसीब वालों को ही मिलता है। क्या प्यार इतना अनमोल होता है? ए, क्या पढ़ रही है? ए, प्रेम साहब ने प्यार के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। ये सारी चीजें सिर्फ पढ़ने सुनने में अच्छी लगती है। जल्दी कॉफी मंगा, कॉफी पीते हैं। जाती हूँ। छोटू, छोटू। नहीं आप नहीं, नहीं नहीं आप नहीं, वो कॉफी वाला। हाँ वो छोटू। वन कप कॉफी। कॉफी कॉफी ओके प्लीज। ए छोटू, ऊपर लाइब्रेरी से कोई लड़की कॉफी मांग रही थी। ज्योति दीदी होगी। ज्योति भाई अब चले क्या? मैं जाकर कॉफी देकर आता हूँ। रुक 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 रुक, मैं भी आता हूँ। तुम इसलिए लाइब्रेरी में पढ़ने? ठीक है चलो। ज्योति कौन है? अरे मुझसे क्या पूछ रहा है यार। ज्योति दीदी, गर्मा गर्म कॉफी। ए, नई शर्ट है क्या? अच्छी है ना? मेरे सोम भैया ने दी है। सोम भैया? वो वहाँ बैठे हैं। वही सोम भैया, बहुत अच्छे इंसान है। मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते, तुरंत ला कर देते हैं। ठीक है, मैं ग्लास लेने के लिए बाद में आऊंगा, चलता हूँ। ठीक है। हाय। हाय। हेलो मैडम। मैडम सागर सरहदी की कोई बुक मिलेगी? देती हूँ। एक मिनट। हाँ मिली क्या मैडम? अभी देती हूँ। मिली क्या मैडम? ढूंढ रही हूँ। यही किताब चाहिए थी ना? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। आई लव यू। मेरा मतलब आई लव यू नाम की नॉवेल लाइब्रेरी में अवेलेबल है, क्या चेक करेंगे आप? आई लव यू। लेकर आती हूँ। लगता पड़ गई। कौन थी वो? तुमने क्या किया? उसने मारा क्यों? लवर है क्या? मेरी बहन है। बहन है? हाँ। उसने मारा किस लिए?
मेरी बहन BES कॉलेज में वार्डन का काम करती है। वहाँ कुछ गुंडे मेरी बहन को और वहाँ की लड़कियों को परेशान करते हैं। क्या कहा? मेरी बहन ने कहा कि तुम जाकर गुंडों को समझाओ। तुमने क्या कहा? मैंने कहा वो लोग गुंडे हैं, तुम उनके मुंह मत लगो। मर्द है क्या तू? एक औरत अपना दुख अपने पति, बाप, भाई, अपने सारे दोस्तों को क्यों बताती है? यही जानकर कि उसके पीछे एक मर्द की ताकत है, उसे कोई डर नहीं। मेरे साथ मेरे अपने लोग हैं इसी विश्वास पर। पर सोम वो लोग गुंडे हैं। ये गुंडा क्या चीज है? ऐसे गुंडों को ठंडा करने के लिए जो चीज चाहिए वो है एक फौलादी जिगर और विश्वास से भरी मुट्ठी। इन दोनों हथियारों को मिलाकर वार करने से कोई भी सुरमा मिल जाता है धूल में, धूल में, धूल में। अरे वाह मेरी चमक, चलो चलते हैं का खंडाला। अरे क्या बात है यार, देखा। अरे संभल के लोफर कहीं का, बड़ी तेज है। देखना तेरा साला आ गया। क्यों बे साले, अपने बहन से मिलने आया है? मैं चुप बैठा हूं तो कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। भाई ये तो वही सोम है जिसने बाबा के भाई मनी को मारा था। अरे जल्दी जल्दी कर भाग यहां से। क्या है? सॉरी। हाँ? हाय। यही बात मैं आपसे पूछने वाला था, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ पेइंग गेस्ट हूँ। ओ, एक्सक्यूज मी। हम औरतों की परेशानी के बारे में मेरे भाई ने इनको बताया। अगर दूसरा कोई होता तो मुझे क्या करना है बोलकर चुप हो जाता, लेकिन इन्होंने सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि सारे हॉस्टल की लड़कियों की मदद की है, इसलिए थैंक्स। थैंक यू सर। हाँ चलो चलो। थैंक यू। जो दोस्त होते हैं वो थैंक्स नहीं कहते। तो फिर वो वो बाय। प्यार करोगे मुझको इस तरह, जन्मों का ये बंधन है तुम सुन लो ये जरा। देखा मैं भूला इस जग को रे, मैं ऐसा नहीं था अब भूला मैं सबको रे। हाँ तेरा यूं मिलना तो अरमा जगाता है, आ मेरी बाहों में आ हो।
तुझे ईश्वर ने ही बनाया है, अपने हाथों से सजाया है, आँखों में तू ही तू, दिल में तू ही तू, मेरे जीवन में तू आए, खुशियाँ ही खुशियाँ लाए, मन गीत मिलन के गाए, दिल में तू ही हो मेरी आओ आओ अंदर आओ बोला ना, अरे अंदर आओ बोल रहा हूँ तो। घर अच्छा है ना, खाली मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा, आओ। इतने बड़े घर का साफ सफाई से लेकर सारे काम का अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा, समझ गई ना? और ये गेटअप नहीं चलेगा। हाँ देखो, इसी तरह 9 मीटर की साड़ी पहननी होगी, इसी तरह अपने माथे पर कुंकू का टीका लगाकर सुपारी चबाते रहना होगा। हाँ, इन गमलों में पानी डालना होगा, दिन में 3 बार प्यार से झाड़ू पोछा लगाना होगा, समझ गए ना? हाँ। तुम कौन हो? ऐ छोड़िए ना, मैं कौन हूँ? ये पागल है क्या? मेरी बात सुनो, इस घर की मालकिन का जितने अच्छे से ख्याल रखोगी उतना तुम्हारा भला होगा। देखो, तुम्हारे हिसाब से हम तुम्हें 1000 रुपए नहीं दे सकते, हम लास्ट बोले तो 300 रुपए दे सकते हैं, ठीक है ना? हाँ। ओए, कौन हो तुम? माँ, मेरे गुरु सोम ने कहा है कि उनकी माँ को कोई तकलीफ नहीं हो, इसीलिए मुंबई से उन्होंने इस काम वाली बाई को भेजा है, समझ गई ना? माँ, माँ, मुझे लग रहा है शायद ये मेरी भाभी ही है। प्यार करता हूँ मैं, कैसी लगी ये? सीधा आकर कहने की हिम्मत नहीं है उसमें, तुम्हारे सोम में? प्यार? कहाँ है वो? बदमाश कहीं के? क्यों रे, घर में काम वाले की कमी है, ऐसे कभी कहा था तुमसे? नहीं माँ। बहू बेटी बनकर आए और घर में सबके साथ घुल मिल के रहे, यही चाहती हूँ मैं, ना कि वो काम करे और मेरी हर बात मानती रहे, ऐसा कभी नहीं चाहूंगी बेटा। उससे प्यार करते हो ना? हाँ बस ज्योति, मना मत कीजिए, और लीजिए ना। कहा ना बस। अच्छा बस, ये आखिरी बार। ठीक है भैया। हाँ? फिलहाल थोड़े मोटे हैं आप, एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, वरना इस मोटू की तरह आप ढोल हो जाएंगे। शहर की लड़की है, हम गांव वालों के साथ रह पाएगी क्या? अगर आपके दिल में मुझे थोड़ी सी भी जगह मिल जाए तो मैं यहीं पे अपना घर बसाकर सबके साथ खुश रह लूंगी। माँ, पिताजी को किसी भी तरह से तुम्हें ही मनाना होगा। माँ, बच्चों की खुशियों के लिए वो किसी चीज के लिए मना नहीं करते, मेरे पति भगवान का दूसरा रूप है। वैसे माँ, पिताजी हैं कहाँ, अभी तक आए क्यों नहीं? बस इसी बात की मुझे शिकायत रहती है। अंदर है पूरा ये। ये रोज की बात हो गई है, सिर्फ वो उनकी फैक्ट्री का काम, हमारे घर में 3 बच्चे हैं, फिर भी इनसे ज्यादा उन्हें उनकी फैक्ट्री और फैक्ट्री के लोगों से प्यार है। क्या कहता है विश्वनाथ पाटिल? कौन, तुम्हारे बाबा का वो दोस्त? क्या कहेगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी ही खड़ी करता है। क्या वो अब भी? माँ, पिताजी से मिलके आता हूँ। हाँ हाँ। तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें अपनी बहू जरूर स्वीकार करेंगे। आए भगवान। पिताजी, पिताजी। Mm-hmm.
क्या हुआ पिताजी? कुछ नहीं बेटा, कैसे हो तुम? कब आए? पढ़ाई ठीक चल रही है ना? क्या हुआ बताइए ना पिताजी। कुछ नहीं हुआ बेटा, कहा ना, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं पिताजी। ठीक है पिताजी, आप आराम कीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, तुम लोग सो जाओ। बाबा से शादी ज्योति के... कहा ना कोई बात नहीं हुई, पिताजी आराम कर रहे हैं। तुम आओ बेटी, आओ। क्या समझता है खुद को? कागजात पर साइन करने को बोला तो मना कर देता है। हाँ, अब भी मेरा यही फैसला है, मैं साइन नहीं करूंगा। तेरी तो जात का। ये आप क्या कर रहे हैं? साइन करता है या नहीं, चल यहाँ पे साइन कर दे। ये अन्याय है, स्लीपिंग पार्टनर बनकर कंपनी ज्वाइन की और अब 60% पार्टनरशिप मांग रहे हो, ऐसा करना सही है क्या? ए, तू साइन नहीं करेगा तो मरेगा। नहीं करूंगा। मालिक सर, मुझे अंदर जाने दीजिए सर। इस फैक्ट्री के भरोसे बहुत से लोग जी रहे हैं, उनकी जिंदगी और इस फैक्ट्री को तबाह नहीं होने दूंगा। साइन नहीं करेगा? नहीं करूंगा। सर इन्हें मत मारिए सर, सर इन्हें छोड़ दीजिए सर, आप जो कहेंगे वही होगा। मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे कागजात साइन करके मिल जाने चाहिए, नहीं तो यहीं पर तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। चल रहे। सर उठिए सर, सर उठिए सर, उठिए। ए एडवोकेट सर, मेरा काम हो जाना चाहिए समझे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हो जाएगा सर। जैसे भटकते हुए बेसहारा को सहारा दिया मेरे पिताजी ने, और ऐसे देवता को तूने मारा, ऐसे देवता को तूने मारा, इसी पैर से मारा था ना उन्हें, या इस पैर से मारा था, इस पैर से।
मैंने हाई कोर्ट के बाहर एक आदमी की टांग तोड़ दी। अदालत ने सोम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। अबे आओ खजूर, देर क्यों लगा रहा, जल्दी आ। आ रहा हूं भाई। जल्दी निकाल। बनियान कौन तेरा बाप पहनेगा, है ना? काम चोर कहीं का। भाई हम लोग भी नहा लें क्या? नहा। ए मामू कैसा है? अच्छा हूँ, तुम तो ठीक हो ना शिवा? काम क्या करना है? अरे तुमसे काम करवाने की हिम्मत कौन करेगा? अरे जरा इसको सुखा देना जल्दी। बस यही काम बचा है, पहुंचेंगे ये सुखाएंगे हम। छोड़ना बाप, क्या कर रहा तू? माफ कर दे, मार देगा क्या रे पागल? छोड़ दे, जा मारना मत, माफ कर दे यार। अरे माफ कर दे बेटू, छोड़ दे। सोम, तुझसे कोई मिलने आया है, चल। तबीयत कैसी है पिताजी? ये सब क्या है? ऐसा क्यों किया तुमने? मेरे देवता जैसे पिता को मारा, मेरी मां की आंखों में आंसू लाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितनी बार कहा गुस्सा अच्छा नहीं होता, भूल गए क्या? मैंने गुस्से की वजह से हाथ नहीं उठाया। प्यार के लिए ना, मां बाप के प्यार के लिए ना, ऐसा क्यों किया?
बेकार में दुख झेलना पड़ रहा है ना तुझे? हा? मुझे जरा भी दुख नहीं हो रहा है माँ, बल्कि खुशी है, क्योंकि आज के बाद कोई भी आदमी मेरे माँ बाप भाई बहन के सामने खड़े होकर बात करने से भी डरेगा। उन्हें डरना होगा। अब पूछिए, पूरे रामपुर में किसी को आपको छूकर बात करने का दम है क्या? दम हो तो मेरे सामने आए, आकर देखे। पूछिए पिताजी, पूछिए। नहीं बेटा, नहीं चाहिए ये सब, बस कर, बस कर। देखो जो हो गया भूल जाओ, मैं तुम्हारी बेल का इंतजाम करता हूँ, तब तक अंदर कोई समस्या खड़ी मत करना। ये लो, रख लो इसे। नहीं पिताजी, काम आएगा। सुनो, तुम कुछ लाई हो ना, दे दो इसे। तुम्हें लड्डू पसंद है ना? चिंता मत करना, अपना ख्याल रख रहा हूं। ए, मिलने का टाइम खत्म हो गया, चलो चलो। अब आप जाइए पिताजी। सोम, क्या हुआ बेटा? नहीं पिताजी, आप यहां मत आइए। जेल से बाहर निकलते ही मैं खुद घर आ जाऊंगा। सोम भैया, हम आपका इंतजार करेंगे। ए, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? चल। सोम, सोम, तुम सब कैसे हो? हम लोग ठीक है। पक्या, शेखर, पिताजी का ख्याल रखना। ठीक है। वो पाटिल कुछ भी कर सकता है, पिताजी को अकेले कहीं जाने मत देना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। चंदू, हाँ? ज्योति ने मेरे बारे में पूछा तो कहना मैं मामा के घर गया हूँ। नहीं बोलूंगा। मेरी बात नहीं मानोगे क्या? अरे वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? खुद ही बात कर लो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद अपने माँ बाप के लिए यही करता। तुमने जो कुछ भी किया हो उससे मेरा प्यार कम नहीं होगा। ज्योति, वो तुम ही मेरी जिंदगी हो, लेकिन तुम तो मुझे से छुप रहे हो। कैसे हो? ठीक हूँ। ये बात हॉस्टल और लाइब्रेरी में फैल गई, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मेरे बाहर आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा सहारा बनूंगा कहा था, लेकिन आज तुम्ही से एक मदद चाहता हूँ। बोलो। माँ और पिताजी के साथ तुम रहोगी क्या? हाँ रहूंगी। हाफ मर्डर केला है कि फुल मर्डर? पैर तोड़ दिया साले का। बोले तो पैर तोड़ने को अंडरवर्ल्ड में हाफ मर्डर बोलते हैं। 7 साल तक तुझे यही रहना होगा। जब तेरा सजा पूरा होगा तो क्या करने का सोच ला है? पढ़ाई कंटिन्यू करूंगा। तू अभी आगे नहीं पढ़ेगा। कलम पकड़ने वाले हाथ जिस दिन हड्डी तोड़ते हैं ना, उसी दिन से उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, समझे क्या? ऐसा औरों के लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं होगा। जेल का स्टैंप लगते ही आम इंसान नहीं रहता। यह विधि का लिखा हुआ विधान है, समझा क्या? ए राजा, पकड़ उसे। ए सोम, तूने कभी कबड्डी खेली क्या? ए कबड्डी 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 ए कबड्डी 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 समझ ले, कल तेरी एरिया में खून हो गया तो सबसे पहले पुलिस तेरे को पकड़ेगी। मर्डर करने वाला अगर नहीं पकड़ा गया तो उसका इल्जाम तेरे सर पे डालकर वापिस डाल देगी तेरे को जेल में। ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया का साला ऐसा ही धंधा है। घर पे माँ बाप भाई बहन कुछ है क्या? माँ बाप भाई बहन सब हैं। उनसे बहुत प्यार करता है क्या? वो लोग सब मेरी जान है। उन लोगों के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। जब
तक शिवा सोम के साथ रहा, सोम को जेल की कड़वाहट कभी महसूस नहीं हुई। शिवा अपनी सजा पूरी होते ही जेल से रिहा हो गया। दूसरी तरफ ये खबर सुनने में आई कि सोम को कॉलेज से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। साथ ही जेल की तन्हाई और अकेलापन, इन सारी चीजों से सोम में काफी हद तक बदलाव आ गया। और फिर 6 महीने बाद सोम, कैसे हो सब लोग? सोम, सोम तुम ठीक हो ना? दोस्त तुम यहाँ? पता चला तू बाहर आया है, इसलिए मिलने आया। अब किधर जाएगा? माँ बाप से मिलने गांव जाऊंगा। और तुम? आप उनका तो कोई भी नहीं है, जिंदगी अनाथ की तरह गुजार रहा है। अगर रहने को जगह मिल जाए तो तेरे साथ रहेगा मैं सोम। साथ में नहीं दोस्त, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। बेटे को लाने जा रहे हैं पिताजी आप? तुम भी चलो, उसे लेकर आते हैं। मुझे जरूरत नहीं, एक खूनी के बाप है आप, ये सब बातें आप ही सुनिए। मुझे एक खूनी का भाई कहलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलिए चलते हैं। हाँ। मालिक मालिक। क्या हुआ बंसी? छोटे मालिक गांव की पंचायत के पास खड़े हैं और उनके साथ उनके दोस्त भी हैं। जब मैंने कहा घर पे चलिए तो उन्होंने कहा नहीं जाऊंगा। सोम, यहां क्यों खड़ा है बेटा? पिताजी, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। अब घर चल। नहीं माँ, मैं नहीं चलूंगा। हा? मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहा है? बहुत दूर पिताजी, आप सबसे बहुत दूर जा रहा हूं। नहीं घर चल। नहीं माँ, अगर वो सिर्फ घर होता तो मैं वहां जरूर आता। वो मेरे लिए एक मंदिर की तरह है। आप मेरे भगवान हैं। मेरे उस घर में कदम रखते ही उस मंदिर की पवित्रता खत्म हो जाएगी। मुझको जाने दो माँ, जाने दो। तुमने जो कुछ भी किया है अपने पिताजी के लिए किया है, सारा गांव जानता है। बस जब तक मेरे माँ बाप सलामत हैं, गांव वालों के मन में ये भावना हमेशा रहे, यही मेरे लिए बहुत है। कल को अगर इन्हें कोई कुछ कहे और इनकी आंखों में आंसू आए तो फिर से मैं वही बात फिर दोहरा ना दू। नहीं माँ, मुझे जाने दो यहां से। बेटा होने के नाते माँ को संभालना मेरा फर्ज है, लेकिन ये जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ रहा हूं पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या बेटा? भैया इधर आ छोटी। So
से तड़पे माँ की ममता आँखों से आंसू बहे अपने घर वालों से दूर होने का दर्द होते हुए भी सोम ने ज्योति से शादी की। उसने ज्योति को अपना जीवन साथी बना लिया।
कहाँ तू चली दिया की गली तू मुझे मिली दुनिया जली हृदय में है तू प्यारी सी कली मैं हूँ मंजली आई देखो शाम प्यार का है काम जुल्फों की छाम की है तेरे नाम चल कहीं दूर प्यार करे कहाँ पे चले जिंदगी भर साथ रहना हम जी भर प्यार करे हाँ समझा मैंने अब ये दुनिया से क्यों डरे तू अब ये करम तो कर दे दामन प्यार से तो भर दे यार भी तू प्यार भी तू ये तो अपना 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 सपना है इंटरव्यू स्टार्ट हुआ क्या? स्टार्ट हो गया है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है कब से खड़े हम लोग। सोम क्या तुम मेरा नाम खराब करना चाहते हो? मैं भी इसी कंपनी में काम करता हूँ। अगर तुम्हें यहाँ नौकरी मिल गई तो मेरे भविष्य का क्या होगा? मेरे यहाँ काम करने से आपके भविष्य का क्या संबंध है भैया? जेल से आया हुआ एक मुजरिम मेरा भाई है। अगर कंपनी को पता चल गया तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। लोग अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो ये खूनी है, ये जेल से होकर आया है, इसे काम मत देना, ऐसा मैं ही सीनियर से कह दूंगा। घर से तो जा चुके हो, यहाँ से भी चले जाओ। गेट आउट। ठीक है, एक प्लेट और देना। माजी अच्छी है ना बिरयानी? अच्छी है, इसीलिए तो दोबारा लिया। हेलो, आज देर से क्यों आया? चोर कहीं का? दूध में पानी मिलाता या पानी में दूध? ए गाली काहे दे तो? इसी तरह पानी मिलाता रहा ना तो तेरे मालिक के हाथ में कोड़ हो जाएगा। जा चमचा कहीं का, यशवंत का चमचा कहीं का। ज्योति यहाँ बाहर क्यों बैठी हो? इतनी देर क्यों हुई? पहले मेरी माँ पूछा करती थी, अब तुमने भी पूछना शुरू कर दिया। बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो। तुम लोग यहीं रुको, मैं खाना लेकर आती हूँ। हम बाहर बैठकर खाएंगे, अंदर बहुत गर्मी है, आज यहीं बैठकर खा लो। ए भाभी तुम बाजू हटो। चंदू, चंदू नहीं। तुम इतनी डर क्यों रही हो? मेरी बात सो भाई, किसी ने बहुत मारा है सो। किसने मारा माँ? तोरे पति नहीं बा, तू तकलीफ में हा, यही सोच के धंधा करे दिया हन, और तू हमें का श्राप दे दो। गलती हो गई, यूं ही मुंह से निकल गया। तू हमका श्राप दे ना, ये देख सच हो गए ना, ये देख हमका कौन हो गए ना, कुछ नहीं हो गए ना। हमरे ऊपर थूके का कहता ही ना, थूकिया थूक। नहीं मुझे माफ कर दो, थूक तोरी। Ah!
को का समझत हो? यशवंत से डरे का पड़ी और डरे की खातिर मार पिटोई की चाही। सुना आज के बाद ये एरिया मा यशवंत का को गाली न दे। यशवंत नाम है हमारा। पर सोम, सोम रुक जाओ। ज्योति वो भूखे बच्चों को खाना खिलाने वाली माँ है। एक माँ को सरेआम जलील करना, उसकी इज्जत से खेलना इतना आसान हो गया है? नहीं सोम, अभी अभी तो अपन दोनों जेल से छूटकर बाहर आए ले, नया जिंदगी शुरू किए ले, वहां मत जा। चंदू, यशवंत कहाँ रहता है? मेरी माँ ने तेरा क्या बिगाड़ा था रे? वो बेचारी बूढ़ी औरत है, तूने उस पर हाथ उठाया ना? कमीने, तू मर्द है क्या? तू यार मैं जवान होता तो मर्दानगी दिखाए। चंदू, गलती हुई है और वो तुमने की है। गलती के लिए उस औरत से तुम्हें माफी मांगनी होगी। मतबल ऊ भिखारन से माफी। ये निकला तुहरी तो। यशवंत चल मेरे साथ। काहे हो ये का है फालतू में हमका चल चल बोला तो काहे परेशान करो तो यार निकल तू ही। ए सुपरस्टार पोज दे तो का, बाबा के भाई जैसन यशवंत नहीं है समझे? हम यशवंत, हमारे इलाका, हमार हथियार, डरावतों का मरबे का मरी है मारा। ए देखत का है मारा। अरे मार ए छोटू आखिरी बार पूछ रहा हूं, चुपचाप से बता दे, मुझे गुस्सा मत दिला। सोम कहाँ है? मैं नहीं जानता भैया, 3 दिन पहले शादी में देखा था बस, उसके बाद नहीं देखा भैया। मुझे छोड़ दो राज भैया,
भैया मैंने आपको कितनी बार चाय कॉफी फ्री में नहीं पिलाई, क्या बोलो? इसे चुपरे निकले कहिए ना, मुझे बहुत डर लगता है। सोम कहाँ है बता दे, छोड़ दूंगा। सच्ची नहीं पता भैया। नहीं पता? नहीं पता। सोम कहाँ है नहीं पता? सच्ची नहीं पता। नहीं पता है क्या? नहीं पता, मुझे छोड़ दो। नहीं पता है। छोटू क्या हुआ? कुछ नहीं सोम भैया, मेरा हाथ। मैंने बोला मुझे छोड़ दो, फिर भी उसने मेरा हाथ काट दिया। मेरे बेटे ने ऐसी क्या गलती की जो उन्होंने उसका हाथ काट दिया? हर रोज 50-100 रुपए कमाता था, एक मासूम बच्चे का हाथ काट कर उन्हें क्या मिला? अब हमारा क्या होगा? मैं हूँ ना माँ, दाया हाथ नहीं है तो क्या हुआ, बाया हाथ तो है, मैं तुम्हें संभालूंगा माँ। सोम भैया को कुछ मत बोलो माँ। बहुत दर्द हो रहा है तुझे? थोड़ा सा दर्द हो रहा है भैया बस। किसने मारा तुझे? शिकारी राजा, मंगेश, रघुराम, शिवा और अब्दुल करीम। ए, रुक साले, रुक, कहां तक भागेगा? ए, रुक साले, ए, तू नहीं बचेगा। ए, भागता कहां है? अबे, जाएगा कहां? गणपतिगं हवामहे कवीं कवीनामश्रमश्रमं शेषराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पतम्। शृण्वन्नोति भित्तिरसाधनम् गणाधिपतये नमः। Don't go.
सुनीति मैडम चलो था मुंडी उड़ा सकते थे उसकी लेकिन तुमने क्या कहा जा जी ने कहा और इसने हमारे यार को मार दिया भाई उसकी बीवी को देखो भाई उसके बच्चे को देखो भाई 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 तुमने कहा था एक दिन बहुत ऊपर आएगा आ गया ना भाई आ गया एक दिन तुमको भी मार डालेगा भाई एक एक करके हम सबको मार डालेगा हमको हम सबको मार डालेगा भाई कुछ करो भाई कुछ करो सोम कैसा है घर तू चल ना कुछ बात करनी है क्या हुआ शिवा ये जो घर दिखा रहा है तू किसका घर है ये अगर तू हाँ बोलेगा तो घर अपन का हो जाएगा नमस्कार शिवा भाई नमस्कार भीम साहब कैसे हो हाँ माल भी साथ लायो सब ठीक है कैसे हो शिवा भाई फर्स्ट क्लास नमस्कार शिवा भाई सोम ये अपने उस भेंडी बाजार के भीम भाई है नमस्कार ये बंगला इन्हीं का है थैंक यू अभी आप लोग बाहर रुको अपन लोग अभी आता है इसमें क्या है दिखाता हूँ ये सब टेंशन में आ गया क्या अभी जो गया ना वो तो सिर्फ घर का ओनर है अपन लोग को हर महीने ऐसे ही माल देता है किस लिए तुमने राज को टपकाया अब तुम इनके लिए भगवान हो और ये भगवान पर चढ़ाया हुआ प्रसाद है और इस प्रसाद को अपन के अंडरवर्ल्ड की भाषा में हफ्ता बोलते है हफ्ता छह महीना पहले कोर्ट के सामने 307 का कांड अपुन ने किया था इसलिए 3 महीने के लिए अंदर गया था परसों तूने राज को मारा तो 302 का केस लग गया फिर भी तू ऐसा खुलेआम घूम रहे हैं मालूम काय को इनका वजह से इनके वास्ते तू एक हथियार के माफिक है सोम इनसे जो काम नहीं होता ना वो तेरे से करवाते ये कानून ये सरकार ये सभी बड़े लोग तुम्हारी जेब में होने की वजह से आईपीसी का कोई भी सेक्शन सोम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता सोम 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 भाभी, सोम भाभी, सोम नहीं भाभी ज्योति प्लीज मैंने कहा था ना इस वक्त मूड में नहीं है चलो चल सोम अपन लोग कोई भी हालत में ये आम लोग का दुनिया में नहीं जा सकता है और अगर आप उनको जीने का है तो यही दुनिया में जीना पड़ेगा मतलब अंडरवर्ल्ड का दुनिया
तो गुरु हो जा शुरू, बिल्कुल न कर तो देरी। तुम ही हो कलयुग के कल की, आंखों से ज्वाला है जल की। सिर्फ एक ही हफ्ते में खून खराबा, लूटमार, अपहरण, इन तीन हथियारों के बल पर सोम ने बड़ी तेजी से पूरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर अपना कब्जा जमा लिया था। लोग उसके नाम से कांपते थे। आई वॉन्ट देम टू बी बिहाइंड बॉस आई से। आप क्या करेंगे, किसे केस सौंपेंगे, उन्हें कैसे मारेंगे, ये मैं नहीं जानता। बट गुंडाइज्म एंड रोडिज्म हैज टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस स्टेट। सर मुंबई के पुलिस कमिश्नर मिस्टर श्रीनिवासन ने दूर जंगल में बसे आतंकवादियों का खात्मा करने जा रहे एक निष्ठावान पुलिस ऑफिसर को मुंबई के क्राइम का सफाया करने के लिए नियुक्त किया। भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हाँ साहेब। इसे आप दान पेटी में डाल दीजिए। ठीक है। आपका नाम साहेब? अशोक। दिखने में बिल्कुल सीधे साधे और शांत स्वभाव के हैं मिस्टर अशोक कुमार, लेकिन बीबी अशोक कुमार का नाम सुनते ही अंडरवर्ल्ड माफिया थर थर कांपने लगता है। Hey, Rane. Welcome, sir. Welcome. बहुत दिनों बाद मिले। Yes, sir. You are great, sir. For what? Sir, पहले चेहरे पर जो तेज था, अब भी वही तेज है। Same छाप and same toughness. Hey, come on, I say. It's nice. उसका नाम क्या है? सोम है, sir.
लेकिन अंडरवर्ल्ड के लोग उसे डेडली सोम के नाम से जानते हैं। एग्जैक्ट कहा जाए तो 18 मंथ। इस गुंडे ने बहुत ही जल्दी स्पीड में तरक्की की है। अब तक 4 मर्डर, 9 हाफ मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, लैंड कैप्चरिंग, ये सारे केसेस इस पर दर्ज हुए हैं। पक्का क्रिमिनल है एंड अ वेरी गुड माइंड रीडर। इसे अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये इतना आसान नहीं है सर। हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी मेहरबान है क्या उस पे? यशवंत के मर्डर के बाद अब तक कोई भी पुलिस वाला चैन की सांस नहीं ले पाया है। उसका कोई सेंटिमेंट, वीकनेस? उसकी पत्नी और 4 दोस्त हैं जो उसकी जान है। शिव नारायण उर्फ शिवा, चंद्रशेखर उर्फ चंदू, पक्या राजशेखर, और 5 मैन आर्मी। रामपुर में इसके माँ बाप रहते हैं, लेकिन उनके और इसके बीच कुछ खास कनेक्शन नहीं है। पब्लिक की नजर में इसकी इमेज क्या है? हीरो है, रॉबिनहुड इमेज। सरकार ने जनता की सहायता की है या नहीं पता नहीं, लेकिन सोम ने बहुत से लोगों का घर बसाया है। इसलिए अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा। एग्जैक्टली, वो लोगों के दिल में बसा हुआ है और लोग उसे अपना भगवान मानते हैं। इंटरेस्टिंग। आई वॉन्ट टू मीट दिस हीरो अर्जेंट। यहाँ बंदर बहुत हैं, संभल कर। हमारे साथ एक मोटा बंदर है ना। अभी चल सामने। सोम, क्या हुआ? रुक क्यों गए? वहां देखो। किसके नाम से पूजा करानी है? रामराज। रामराज से? पार्वती। पार्वती नामा? लक्ष्मी। लक्ष्मी नामे? हाँ। धर्मराज। धर्मराज आय नमो नमः। गायत्री। गायत्री नमो नमः। और सोम? सोम सोम नमो नमः। ओम सतीनायन रोवदत्वा। सोम प्लीज चलो ना, उनसे जाकर मिलते हैं। चलो घर चलते हैं। हाँ? और दर्शन मिल गया ना, जिनके दिल में होना चाहिए वहां मैं हूँ। जिस भगवान का दर्शन होना चाहिए था वो हो गया। चलो। दूर हो गया क्यों अपने माँ बाप से, तड़पे माँ की ममता, आंखों से आंसू बहे। क्या हुआ? वो कौन? चलो। वो किस्मत जिनको माँ का प्यार मिला है और आंचल भी, माँ के दिल को जो ठेस लगाए माफी नहीं देता उनको ईश्वर भी। तेरे सामने माँ है फिर भी तू बदकिस्मत है, नहीं मिल सकता तुझे प्यार करुणा ममता, सुन अब वो भी तो नहीं मिल सकता। ये कहीं है, यही कहीं है। वह मैं तुम्हारा। चलो। हाँ?
बैठो। जब मेरे दोस्तों को खड़ा रखा है तो मैं क्यों बैठूं? दोस्तों से बहुत प्यार है जान, जिंदगी सब यही है। बीवी है तुम्हारी? ज्योति नाम है। सर हाँ। घर में कोई शुभ कार्य होता है तो लोगों को न्योता दिया जाता है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अपने काले धंधे बंद कर दो। तुम्हारे लिए खास तौर पे मुझे यहां बुलाया गया है। कहते हैं कि खून अपनी पहचान छोड़ जाता है, लेकिन तुमने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। पुरानी कब्र खोदने पर भी कुछ नहीं मिल रहा। अब तक जो हुआ सो हुआ, अब आगे मेरी अथॉरिटी में कोई भी गलत काम हुआ तो मैंने अब तक जितने भी गुंडों को हमेशा हमेशा के लिए चैन की नींद सुलाई है, उसी तरह तुझे भी सुला दूंगा। मैं कभी ज्यादा नहीं सोचता, सीधा सीने पे निशाना लगाकर ठोक देता हूं। उम्र है, पत्नी है, जान देने वाले दोस्त भी हैं, एक शराफत की जिंदगी शुरू करो। क्या कहते हो? हां कहेगा तो जिएगा, अगर ना कहा गोविंदा। जिस्म पर खाकी और हाथ में पिस्तौल आने के बाद ही ये लोग मर्द बन के फिरते हैं, लेकिन मैं इनकी तरह ढोंग नहीं करता, पैदाइशी मर्द हूं मैं। ये साला क्या उखाड़ लेगा देख लेते हैं। चलो, यहां उस सेठ का घर है। 4 से लेकर 4:30 बजे तक उसका बच्चा यहां घर के पास बने गार्डन में खेलता मिलेगा, और उसी समय हमारी सफेद गाड़ी यहां आकर रुकेगी। उसका बच्चा ना मिले तो किसी और का भी बच्चा चलेगा, उठाकर गाड़ी में डाल लेना। पैसे लाए बिना सौदे की बात करना मारवाड़ी के नाम पर कलंक है। 25 लाख रुपए बहुत ज्यादा सोम भाई। जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से कमाता है उनके लिए इतनी रकम मायने रखती है, और तू तो साला डुप्लीकेट घड़ियां और उनके पार्ट्स वगैरह बनाता है। तुम्हारे लिए ये कौन सी बड़ी बात है? ये सब आपको कैसे पता चला? अप्रूव हुए ईएमटी के डायल डिजाइन को अंडरवेयर में बांधकर, उसे कमोड में डालकर फ्लश आउट करके, उसे ड्रेनेज से बाहर निकालकर डुप्लीकेट ईएमटी की घड़िया तैयार करना बेशक पुलिस को नहीं पता होगा, लेकिन ये सोम सब जानता है। ईएमटी की आधी कंपनी डूबने के पीछे सिर्फ 13 हाथ है। मांगी हुई रकम देते हो या? दे दूंगा, पर मेरा बेटा? जब तक पैसे नहीं मिलते ये इस घर का बेटा रहेगा। पैसे मिलने के बाद तेरे बेटे को भिजवा दूंगा। मैं भी तेरे बेटे को भिजवा दूंगा। पापा! पैसे मैं ही लेकर आता हूँ। पापा! मुझे भी अपने साथ ले चलो। बच्चे को किडनैप करके इस तरह पैसे कमाना किस हद तक सही है सोम? इतने 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 अमीरों से छीनकर गरीबों को देने में एक अजीब मजा है। उसके लिए उसका बेटा प्यारा है, मेरे लिए शिवा, तू, शेखर, पकिया, मेरे लिए मेरे दोस्त प्यारे हैं। इस धंधे में तू बच्चा है, तू नहीं समझेगा। सोम बाबा का फोन है। बाबा? बोलो बाबा। बहुत आगे निकल गए हो, मिलना चाहता हूँ। तुम आओगे ना सोम? कहाँ आना है? छोड़ो ना, वो नहीं आएगा बाबा, वो नहीं आएगा। आएगा, वो एक मर्द है, जरूर आएगा वो।
बोलो बाबा। मेरी जगह पे तू गड्ढा खोद रहा है, ये ठीक नहीं है। अपने धंधे में कुछ काम ये बाबा करे तो ही ठीक लगता है। बीच में टांग मत अड़ा, नहीं तो तू जान से जाएगा। इस सोम को जान से मारना इतना आसान नहीं है बाबा। सोम बेटा, तू आग से खेलना चाहता है। बाबा ये तो मेरा शौक है। तेरे भाई की जबान काटी उसी दिन मुझे मार देना चाहिए था, उस दिन जब तूने मुझे जाओ कहकर छोड़ दिया था। उसी दिन तेरा डर खत्म हो गया और ये सोम उसी दिन से डेडली सोम बन गया। मेरी जिंदगी के पहले दो लफड़े पर्सनल थे, बाद में मेरा उठाया हुआ हर एक कदम तुमसे और तुम्हारे धंधे से जुड़ा हुआ था। तब जब तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाया तो अब क्या उखाड़ लेगा। ए, 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 किसके सामने ऐसी बातें कर रहा है तू? आफ्टर ऑल रामपुर का है तू, इन गीदड़ों के साथ मिलकर मुंबई वालों को धमका रहा है। बहुत बड़ा गुंडा है तू। हाँ भाई को क्या समझा है, जयराज को टपकाने वाला डॉन है? हम चुप हैं, इसके लिए कुछ भी बोलेगा तू? ए लाइब्रेरी के आइटम को बीवी बनाकर उसके साथ मजे करने वाला हमारे बाबा भाई का बाल बांका भी नहीं कर सकता है क्या? ए शिवा, ए शिवा, क्या तैयार है क्या? उतर मैदान में। सर सर धड़ से अलग कर दूंगा। नारायण भाई तुम चुप रहना। ए बेटा सोम, मेरे रास्ते में मत आ। इसने तुम्हें थोड़ा सा हूल दिया और तुम्हारे तो पसीने छूट गए। अगर मैं मैदान में उतरा ना तो किसके बारे में सोच रहे लाए? उस नाटे के बारे में क्या? वो नाटा जिंदा नहीं रहना चाहिए। नहीं सोम, वो अभी बच्चा है, उसके पीछे दिमाग खराब करने में कोई फायदा नहीं है। है। इतना सब होने के बावजूद वो नारायण जिंदा है, मतलब सोम की बीवी को बुरा भला कहने के बाद भी सोम नारायण का एक बाल भी बाका नहीं कर पाया, ऐसा ये लोग कहेंगे। देखो मैं कुछ नहीं जानता, तुम लोग उसको ठोक डालो बस। तो आप उन लोग उस खजूर का मर्डर करेंगे? एक छोटी सी चींटी भी हाथी की जान ले सकती है। उस दिन तुमने ही कहा था ना, अगर एक गुंडा दूसरे गुंडे से टकराता है तो उसको उधर ही उड़ा देना चाहिए। तुम लोगों के बारे में, मेरे घर वालों के बारे में कोई भी कुछ भी बोलेगा ना तो ए लाइब्रेरी के आइटम को बीवी बनाकर उसके साथ मजे करने वाला चंदू। अरे जान से खत्म कर दे इसे। मेरे भाई को गाली दिया, बार बार खत्म कर दे चंदू, उसको मार दे। अरे मेरे को आने दे सालों, समझते क्या क्या हो? मारो छोड़ो मुझे, सोम को गाली दे। एक खजूर अब तेरा टाइम चला। छोड़ दो मुझे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चलो मर साला नाटा, बहुत बोल रहा था मैं। चलो चल चंदू।
नमस्कार साहब। राम बोल। हेलो सर, यहाँ आपका ट्रांसफर सोम को पकड़ने के लिए हुआ है ना, और आप आराम फरमा रहे हैं। सुबह 10 बजे नारायण का खून हुआ, और वो खून चंदू, शिवा, पके और शेखर ने किया, और ये काम था सोम का, और उसका गवाह है ये बाबा। क्या सर, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ए बीबी, तेरा काम है उसे जाकर पकड़ना, जाकर पकड़। क्या हुआ, कलेजा नहीं है क्या? ए, क्यों रे, मुझे क्या समझा है? मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है तेरी? बहुत बाबा बनता है बे तू, किस गली का राजा है बे तू? तू डॉन है क्या बे तू? हाँ, उस गुंडे जयराज को किसी और ने मारा और तू साले अपने नाम का ढिंढोरा पीट रहा है। कितने लोगों को मारा है तूने? हाँ, कितने लोगों को मारा है? दम है क्या तेरे में? दम है तेरे में? दम होता तो तू ही सोम को मार देता, दम नहीं है इसीलिए सपोर्ट मांगने आया है तू, वो भी पुलिस का सपोर्ट। जा सोम को टपका दे, नहीं तो मैं उससे ये कहूंगा कि वो तुझ जैसे को टपका दे और बाद में उसे मारूंगा। मुझे शेर का शिकार करने की आदत है, कीदड़ का नहीं। चल निकल। सुन, सोम बाबा राजशेखर पकिया शिवा, सबका जल्द ही डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, सो एंड सो है, ऐसा तुम लोगों की कब्र पे लिखवा कर तुम लोगों के नाम का मजार बनवाऊंगा मैं, और इस काम में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, फटाफट, जस्ट लाइक दिस। ओए घूरता क्या है भाई, यहीं पे ठोक डालूंगा तुझे, भाग यहां से, भाग। कितने बेटे हैं आपके? दो बेटे हैं। पहला इंजीनियर है क्या? सोम अच्छा बेटा है। अच्छा है, लेकिन कानून की नजरों में वो एक बहुत बड़ा गुंडा है। पहले ही सोचना चाहिए था, अब रोकर क्या फायदा? थोड़े आंसू बचा कर रखिए, कल उसकी मौत पर बहाने के लिए जरूरत पड़ेगी। ऐसे घूर क्या रहा है? ऐसे पापी को जन्म दिया, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। नजरे नीचे रख अपनी। हमारे सोम ने जो भी किया कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। क्यों, वो कोई भगवान है क्या? आप मेरे सोम के बारे में गलत समझ रहे हैं। आप चुप रहिए। कोई भी बच्चा पैदाइशी बुरा नहीं होता है, वैसे ही अपनी मर्जी से कोई बुरा नहीं बनता। आप नहीं जानते कहिए इन्हें, हमारा सोम भी अच्छा लड़का है। इधर आ, इधर आ, वो देखो हमारे सोम ने एसएससी में 9वां रैंक लिया था। उसका सर्टिफिकेट वहां पर टंगा है। पार्वती, नेशनल कॉलेज में नरसिम्हा नाम के एक लेक्चरर हैं, उनसे जाकर पूछिए, वो बताएंगे सोम कैसा है। आप जाइए और उनसे पूछिए। मेरे भैया गुंडे नहीं है वो। क्या कहूं, मेरी ही वजह से उसकी अच्छी खासी जिंदगी तबाह हो गई। हर महीने में वो आप लोगों को कितने पैसे भेजता है? माँ, माँ, पार्वती, माँ, पार्वती, 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 ये क्या? देखो 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 देखो, ये सब मेरे बेटे सोम ने लाकर नहीं दिया है, मेरे पति की कमाई है, मेरे पति की कमाई। और चुप रही है, मेरे पति चुप है सोचकर जो मुंह में आया वो बोले जा रहे हो। देखो देखो, बाहर जाकर तुम जहां तक अपनी नजर दौड़ा सकते हो वहां तक देखो, वो सारी जमीन, खेत, बगीचे सब मेरे पति के हैं, मेरे पति के हैं। किसी के आगे हमें सर झुकाने की जरूरत नहीं। पार्वती, किसी, चुप हो जाओ।
इसी मजबूरी से हमारा सब गुंडा बना। ये देखो क्या कर रही हो तुम? हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, ये देखो पैसे की कमी नहीं है हमारे पास। संभालो अपने आप को पार्वती। यहाँ से गए उसे कितने दिन हुए? 2 साल हो गए, उसका चेहरा देखे। आप बहुत जल्द देखेंगे मगर अपने बेटे की लाश। हेलो सर। राणा, आपके कहने के मुताबिक काम कर दिया है सर। तुमने अपना काम कर दिया है, इस बात का सबूत यहाँ बज रहा है। राणे फोन रखो। सोम। जानता हूँ, बोल। ओ, मैं फोन करूँ इसलिए? इतना सब किया? एक छोटा सा खेल खेला बस। गलती की सर, उस दिन आपकी इज्जत रखने के लिए मैं वहाँ खामोश रहा। मेरे सब्र का इम्तिहान लेकर आप मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। फोन पे है वरना ठोक देता। कारों की तरफ फोन पे क्या धमकी देता है? मेरी माँ को गाली मत देना वरना इतना मारूंगा कि तेरे घर वाले तेरी लाश पहचानने से इनकार कर देंगे। ए अशोक कुमार, इस सोम से मिलना है तो बोल, सीधा तेरे पास आ जाऊंगा। मेरे हाथों से मरने का शौक है तो बता दे, आसान मौत मारूंगा। बजाय इसके मेरे साथ फालतू के खेल खेल रहा है तू। मुझे पकड़ के अपनी जिस मर्दानगी को साबित करने आया ना तू, तेरे उस सपने को इस जन्म में पूरा नहीं होने दूंगा मैं। ए सोम, तेरा खेल खत्म। You are finished. ये तेरी गलत फहमी है, ये खेल खत्म नहीं, मैंने शुरू कर दिया है और इस खेल में हार तुम्हारी ही होगी। कल से तेरी ही निगरानी में मेरा खेल। अगर तुझ में हिम्मत है मुझे रोक सकता है तो रोक ले। फाइट बैक। इसकी आने के लिए सादर धन्यवाद। मैं सीधे विषय पर आता हूं। मेरे कुल मिलाकर 4 कॉलेज हैं। कोल्हापुर में 1 मेडिकल कॉलेज और मुंबई में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज। उस कॉलेज में एक एडमिशन का 10,000 रुपए था, लेकिन वहां जाने पर पता चला एडमिशन फीस 2 लाख से 2.5 लाख रुपए थी। एक एक सीट के पीछे 25,000 रुपए कमीशन देता था मैं उसे। इस बार एक और आदमी को शामिल करके 52.5 लाख रुपए कमीशन दो बोलकर मेरे पीछे पड़ा है। अगर उस मंत्री के बच्चे ने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। तुम्हारा साथ चाहिए बाबा। अगर वो हाईकोर्ट की सीढ़ियां चढ़ा तो मेरी कुर्सी मेरे हाथ से जा सकती है, मेरा पूरा पॉलिटिकल फ्यूचर हिल जाएगा। सोम, जाना चाहिए। राशिद भाई, तुम्हें कोर्ट में जाना चाहिए। जब बाबा ने इस काम में हाथ डाला है तो सोम चुप रह सकता है क्या? अच्छी तरह सोचकर बताओ सोम। मैंने जिंदगी में कभी दोबारा सोचा नहीं सर, और ये मौका आपकी तरफ से मिलना बड़ी खुशी की बात है। परसों वैसे भी मैंने अशोक कुमार को एक बात कही थी, बहुत जोरों शोरों से ये सोम दंगा फसाद करेगा, पर इस तरह हाईकोर्ट के पास आपके खिलाफ खड़े हुए आदमी को मारने का मौका मिल रहा है ये जानकर मुझे सच में डबल खुशी हो रही है। यहाँ आपको लाशों की बू नहीं आ रही है क्या? लाशों की बू आ रही है? सीट न मिलने के कारण आत्महत्या किए हुए स्टूडेंट्स के लाशों की या बू आ रही है मंत्री साहब? विद्या की अहमियत ना मानने वाले स्टूडेंट्स अपना भविष्य बर्बाद करते हैं। मन लगाकर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिलता, उनका भविष्य तुम जैसे भ्रष्ट नेता बर्बाद करते हैं। हजारों सीट्स तुम जैसे मंत्री करोड़ों रुपए में बेचते हैं ना, मरने के बाद तुम्हें जन्नत नसीब होगी क्या? गरीबी में रहने वाले, स्कॉलरशिप के भरोसे रहने वाले हैंडीकैप स्टूडेंट्स, वो सब क्या करेंगे? इतने पैसे कहां से लाएंगे? सोम, काम करने का बात छोड़। तुम स्टूडेंट्स की तकलीफ को नहीं समझोगे शिवा। तुमने गुंडों के बीच दिन गुजारे हैं और मैंने स्टूडेंट्स के बीच दिन गुजारे हैं। मंत्री जी, तुम्हारा काम करने से हमें क्या मिलेगा? मैं तुम्हारी केस की फाइलों को बिल्कुल बंद करवा दूंगा सोम। फाइलों में लिखी चीजों को मिटाया जा सकता है, लेकिन यहां जो लिखा है वो उन फाइलों के होने से ही इस सोम के नाम का डर दहशत जिंदा है। मंत्री जी, मुझे सीट्स चाहिए।
चार कॉलेजों से 25-25 सीट्स मतलब 100 सीटें मुझे देनी होंगी। फिर चाहे वो सीटें मैं गरीबों को दूँ, स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को दूँ या हैंडीकैप स्टूडेंट्स को दूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। बस तुम्हें मेरे नाम से तुम्हारे हर एक कॉलेज में सीट्स देनी होंगी। मंजूर है? ठीक है सर। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी बाबा? कोर्ट में चारों तरफ मेरे आदमी खड़े हैं। ठीक है, सब संभाल लेना बाबा। तुम जाओ राशिद। ठीक है। मंत्री जी, जब साथ मांगा था तो बोले थे कि लॉ ऑर्डर की प्रॉब्लम है। अब देख मंत्री, ये बाबा तेरी कैसे वाट लगाता है। ये बीच में कहाँ गाड़ी फंसाता है? ए हट, पीछे ले। ए हट, पीछे ले गाड़ी। क्या हुआ अशोक? इमरजेंसी मीटिंग बुलाना जरूरी था क्या? सर वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो हमें ही चैलेंज कर रहा है। गिव अस ऑर्डर सर, हम उन सबका एनकाउंटर कर देंगे। अशोक तुम चुप क्यों हो? सर डेडली सोमा इससे पहले कुछ करे हमें कुछ एक्शन लेना होगा सर। ही इज राइट सर, प्लीज पास द ऑर्डर। जिन्हें ऑर्डर्स दिए गए वही शख्स चुप खड़ा है? बात क्या है अशोक? एक पुलिस ऑफिसर का यूं चुप रहना एक बहुत बड़े जंग का आगाज होता है, ऐसा मेरे सीनियर्स कहते थे। There you are, sir. उन सीनियर्स की बात बहुत जल्द हकीकत में बदलेगी। मुझे आपकी खामोशी का मतलब समझ में नहीं आया सर। समझना क्या है, कोर्ट ने 48 घंटे की मोहलत दी है लेकिन हमारे लिए 24 घंटे काफी है। अदालत में जज के सामने खून की होली खेलने वाले दरिंदों का खात्मा करने के लिए इतना वक्त बहुत है। जस्ट लाइक दिस। मतलब सोम, बाबा, राजशेखर, चंदू, पकिया, शिवा, खत्री, अब्दुल, बशीर, इन सभी समाज के दुश्मनों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना। पकड़ो नहीं, सीधा ठोक दो। इज इट क्लियर? यस सर। अपने सभी लोगों को अलर्ट कर दो सर। नो कम्प्रोमाइज, नो सेंटिमेंट, नो बेल। सर इन्फ्लुएंस? इन्फ्लुएंस का नाम लेने वाले और देने वाले दोनों को जूतों से मारना। नोबडी इज अबव द लॉ। ओके सर।
यही पूछ रहा हूँ, किससे मिलना है? ओ साहब, आपको कौन चाहिए? आपको सुनाई नहीं देता क्या? देखिए, मैं सोम भैया से आपकी शिकायत करूँगा। किससे मिलना है आपको? हाँ, सुनाई नहीं देता क्या? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपको किससे मिलना है? आप कौन हैं? कब से मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप बता ही नहीं रहे, घर में घुसे जा रहे हैं। ओ साहब, कौन है आप? क्या चाहिए आपको? बताइए ना। ओ साहब, कौन है आप? ये हमारे सोम भैया का घर है, कोई बगैर पूछे घुस भी नहीं सकता। सर, घर में कोई नहीं है सर। मैं कह देता हूँ, सोम भैया से कह दूंगा। अरे मैं बोले चला जा रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं देता क्या? चुप, 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 चुप। साइलेंस। घर सीज कर दो। ज्योति, ज्योति, बस ज्योति, मुझसे और नहीं चला, बस थोड़ी दूर और ज्योति, चलो। ज्योति, 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 और कितनी दूर है? बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे भाई। इसके पति कौन है? ये She's pregnant. और काफी वीक है, ठीक से ख्याल रखना। Yes, doctor. Sorry, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई। No problem. It's my duty. Thanks. पकिया। ये ले, छोड़ कर आ। क्या हुआ? इस शहर में कुछ बनूंगा, मां बाप का नाम रोशन करूंगा सोचकर आया था, और क्या बन गया। अब आगे क्या होगा, क्या करूंगा, कुछ सूझ नहीं रहा है शिवा। इस तरह टेंशन लेने से अच्छा है सरेंडर कर देते। धंधा छोड़ना बेटर है सोम, सरेंडर करने के लिए। वैसे अपुन का दिल तो नहीं मानता, पर सरेंडर होते ही धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमारी लाशें भी लावारिस लाश की तरह जलकर खाक हो जाएंगी, तुम्हें नहीं लगता? सरेंडर होने की खबर सुनते ही हमारे सारे चाहने वाले, वो कानून के रखवाले तैयार खड़े होंगे। अशोक कुमार, इंस्पेक्टर राणे, शिवराम, संग्राम सिंह, बाबा, सब हमें वही ठोक देंगे शिवा। दुनिया में किसी भी पुलिस ऑफिसर का सामना कर सकते हैं, लेकिन ये अशोक कुमार बहुत ही सनकी आदमी है। कब बंदूक की गोली सीने के आर पार कर दे पता भी नहीं चलेगा, पागल है वो। कभी किसी के आगे झुका नहीं है वो, और जो ना झुके उसे वो टिकने नहीं देता। तू ही बता, ऐसे अपन कब तक जी लेंगे? अशोक कुमार को सरेंडर करने के बाद वो क्या करेगा, यही तेरे को जानने का है ना? तो पहला मैं सरेंडर होएगा। हम दोनों की जान एक ही है शिवा। इंसान में और भगवान में कोई फर्क नहीं होता क्या? सोम जैसा इंसान जिंदा रहेगा तो अपुन जैसे कई लोगों को सहारा मिलेगा। ए शिवा, तेरे पास मां बाप, ज्योति, शेखर, चंदू सभी है, लेकिन दोस्त अपुन के पास तेरे अलावा और कौन है? तू ही बता। तेरे वास्ते अपुन अपना जान भी दे सकता है दोस्त। शिवा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, मुझे जीने का रास्ता दिखाकर मौत के रास्ते पर तुम जाओगे क्या? सोम, तेरे को मेरी कसम है, अपुन मर जाएगा तू ऐसा सोच रहा है क्या? अपुन को कुछ नहीं होगा, अपुन उनका हाथ पांव जोड़ेगा, उनको मना लेगा। सोम, शिवा, अगर उन्होंने तुम्हें मार दिया तो तुम सब लोग यहां से चले जाना। शिवा, अपुन तेरे से बड़ा है, अपना बात नहीं मानेगा क्या? नहीं मानूंगा, कसम खा रहा है, तो उसको कभी टूटने मत दे। मेरे सोम, तू कसम तोड़ेगा क्या? हाँ, तू एक बार हां बोल दे बस, अपुन अब भी जाके वापस आएगा,
अपुन जा रहे ला यार। शिवा इंतजार करूंगा। चलता है। दुनिया में किसी भी पुलिस ऑफिसर का सामना कर सकते हैं, लेकिन ये अशोक कुमार बहुत ही सनकी आदमी है। कब बंदूक की गोली सीने के आर पार कर दे पता भी नहीं चलेगा। सर सर अपुन को मत मारो, अपुन सरेंडर करने के लिए आए हैं। ए रुको रुको, गन नीचे गन नीचे, मुझे मत मारो सर। सर सर मैं अपुन सरेंडर करने के लिए आए सर, अपुन सच बोलता है सर। सर सर अपुन सरेंडर कर। हे शिवा तू अकेले आया या? अपुन अकेला आया सर। नाटक करने के लिए दूसरी जगह नहीं मिली क्या? हाँ ऐसा मत बोलो सर, कोई गलती हो गई तो अपन को क्यों भाई? फाइव मैन आर्मी कहलाने वाले सोम के गैंग की इतनी जल्दी छक्के छूट गए क्या? साले तुम लोगों ने माफ करने जैसा काम किया है क्या? दिन दहाड़े कोर्ट में घुसकर लोगों को मारते हो हैं? साले छोक मत, तुम लोगों की कहानी खत्म हुई समझो। सर सर सोम भी सरेंडर कर देगा? खुद को शेर कहता है, सामने आकर बात करने में डर लगता है क्या? हैं साले क्या कहते हो, पुलिस वाले हमारा क्या उखाड़ेंगे साले? सर सर सोम को माफ कर दो सर, आप उनको खाली एक मौका मांगते हैं। माफी नहीं मिलेगी, उसकी मौत हर हाल में होगी और उसकी आर्मी को भी खत्म कर दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। गलती हो गई। सोम को मैंने समझा दिया सर, समझा दिया उसको, वो अपनी गलती मानकर सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए साहब। आप उनको एक मौका मांगता है साहब, एक मौका तो दो साहब। साहब सर आप उनको माफ कर दो साहब, आप उन लोग सरेंडर कर देगा साहब। साहब आप उन लोग को छोड़ दीजिए साहब, आप उन लोग को माफ कर दे सर। सर ऐसा मत देखिए, आप उनको डर लगता है सर। सर राणा सर सर मुझे मत मारिए सर। सोम को लेकर आ सर, अपन सोम को लेकर आता है, उसको कुछ नहीं करने का। कुछ नहीं करूंगा, सरेंडर करने को बोल। अभी लेकर आता हूँ। चल जा। अरे जा। चल। थैंक यू सर। सरेंडर कर देंगे सर। सुम। ज्योति। हाँ। यहाँ अकेली ठंड में क्यों बैठी हो? डॉक्टर ने बताया तुम मां बनने वाली हो, वैसे तुम्हें क्या चाहिए, लड़का या लड़की? चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन उस बच्चे का बाप हमेशा उसके साथ रहे, यही मैं चाहती हूँ। मैं साथ में हूं ना, लेकिन कितने दिन? मैं चाहती हूँ जब तक हमारा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए तब तक हम दोनों अपने बच्चे के साथ ही रहें। ताना मार रही हो? बस अपने दिल की बात कह रही हूँ। सोम, कल कोर्ट के सामने जो झगड़ा हुआ उससे पहले तुम अपनी ये बात बताती तो मैं जरूर सोचता, लेकिन अब मैं क्या करूं ज्योति, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। आंखें बंद करता हूं तो मेरे हाथ मरे हुए लोग, मेरे कारण दुख झेल रहे लोग, मुझे मारने का इंतजार करने वाला अशोक कुमार, यही सब आंखों के सामने आता है। भूख नहीं लगती, नींद भी नहीं आती, हंसना चाहता हूं पर हंस नहीं पाता, क्या करूं मैं, किसका श्राप है कुछ समझ में नहीं आता। मां बाप का अच्छा बेटा नहीं बना, तुम्हारा अच्छा पति नहीं बन पाया, कल को मेरा बच्चा भी जैसे बच्चे, पापा मुझे
मुझे पिक्चर दिखाने ले चलो पापा, आइसक्रीम दिलाओ ऐसा बोलते हैं, लेकिन मेरा बच्चा मुझसे पूछेगा तुम कौन हो। दुख में जी रहे मेरे बच्चे को कल कोई मारेगा, गालियां देगा। ज्योति ज्योति ए ज्योति ज्योति, जो बात दिल में दबी हुई थी सब अचानक बाहर आ गई। शिवा बात करने गया है ना, अशोक कुमार मान गया तो मैं सरेंडर हो जाऊंगा, सरेंडर। कल सजा काट कर आने वाला ये डेडली सोमा मिस्टर सोमशेखर बनकर दिखाएगा, ज्योति बनकर दिखाएगा, हर हाल में बनेगा मिस्टर सोमशेखर बनेगा ये सोम। शिवा बात कर दोस्त, शिवा बात करना शिवा, क्या हुआ तुझे शिवा? किसने किया? छोड़ दे अपन को, छोड़ दे अपन को मत मार। ए तू सोम के लिए जान दे सकता ना? दे जान सोम के लिए, दे। ऐसे नीचे से। चंदू मुझे बाबा चाहिए। इतने बड़े मुंबई शहर में उसे कहाँ ढूंढेंगे सोम? शिवा कहता था जब से हम मुंबई गए हैं सब जगह खून ही खून नजर आता है। मुंबई में ही दोस्ती, मुंबई में ही दुश्मनी, मुंबई में ही ज्योति और मुंबई में ही बाबा। ढूंढने से तो भगवान भी मिल सकता है तो बाबा क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा चंदू, वो मुझे चाहिए। अब मैं जाऊं। मुझे माफ कर देना ज्योति। सही टाइम पे आए हूं ना बाबा। मैंने जय कॉलिया जैसे लोगों को टपकाया,
पर तू तो उन सबका भी बाप निकला। बच्चे मैंने तुम्हें पहली बार कहा था ना कि सोम के पास दो दिल हैं, वो भी बिल्कुल पक्के। ये क्या सोम, 2 सालों में मैंने कभी डर नहीं देखा तेरे अंदर, अब फट गई क्या? ये सोम मौत से नहीं डरता बे, मेरे पिता का क्या होगा, मेरी माँ को कुछ हो ना जाए इस बात का डर है, मेरे होने वाले बच्चे का क्या होगा इस बात का डर है, मेरे दोस्त पकिया शेखर चंदू और ज्योति का क्या होगा इस बात का डर है। ए, तूने जो काम करने में पूरी जिंदगी बिता दी वो मैंने 2 साल में कर दिखाया, तेरी तो तेरी जात का। मर्दानगी की बात कर रहा था ना तू? चल, चल। Get down. चल निकल। हाँ सर, मुझे पकड़ने के लिए इतने उतावले थे और ये गलतफहमी के शिकार तुम और तुम्हारे जैसे गुंडों को कानून की ताकत क्या होती है यह दिखाना चाहता था मैं, इसीलिए मुझे यह सब करना पड़ा। गो फोटो। राणे कहता था कि तुम लोगों की नजरों में रॉबिनहुड की तरह हो, बेकार में तो मैनेज करके कोर्ट ले जाऊंगा, कोई तुम्हारी बेल करवा के छुड़ा ले जाएगा, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अब आगे से तुम लोग एक अच्छी जिंदगी जियो, जाओ। सर मेरे साथ साथ इस पकिया को भी छोड़ दीजिए सर। डिपार्टमेंट के सारे लोग बाद में मुझे गालियां देंगे। सोम और पकिया ने भागने की कोशिश की, तब हमने उन पर फायरिंग की, पकिया के पैर में गोली लगी और सोम भाग गया, ऐसा नाटक करके कानून की आंखों में धूल भी तो झोंकनी है। घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, ऊपर से तुम्हारी पत्नी भी प्रेग्नेंट है। गो 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 गो, जाओ 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 सर, मैं इसे भेजता हूँ सर, एसो साहब तुम्हें छोड़े हैं, जाओ सर, मैं इसे समझाता हूँ सर, मैं समझाता हूँ, एसो सुम जाओ ना प्लीज सुम। पकिया, सुम मेरी बात सुन, तू नहीं समझेगा, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा सुम, जा पकिया सुम,
वो सब तुम्हें देखकर कितने खुश होंगे सोम। तुम जाओ सोम, सोम जाओ। तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं? तुम्हारा बच्चा पैदा होगा, तुम उसका चेहरा देखोगे सोम। तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करो सोम। तुम जाओ सोम, तुम मेरी फिक्र मत करो। देखो पकिया, तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। सोम तुम चले जाओ सोम, मेरी बात मान जाओ। पकिया मैं इसे समझा रहा हूँ सर। पकिया जिद मत कर। सोम मेरी बात मानो, तुम जाओ यहाँ से। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम है सोम। जाओ मेरे दोस्त, चले जाओ, मेरी बात मानो सोम, चले जाओ, चले जाओ सोम। थैंक यू सर। सोम ये लो। सोम इसी तरह पढ़ते रहना बेटा। आई लव यू। नहीं नहीं मतलब ढूंढ कर बताती हूँ। कहा था ना सोम, कानून की आंखों में धूल झोंकने का नाटक है। तुम जाओ, तुम जाओ सोम, तुम जाओ, तुम जाओ सोम। पकिया वापस बताना सोम, तुम चले जाओ। सोम हमारा बच्चा अनाथ नहीं होना चाहिए सोम। हमारा बच्चा अनाथ नहीं होगा ज्योति, मैं आ रहा हूं। सोम सर, अब क्यों मारा सर? तुम्हारे हाथों कितने लोग मरे होंगे, उन्हें भी जीने की इच्छा रही होगी ना। तुमने उन्हें छोड़ा क्या? उनकी आत्मा को भी तो शांति मिलनी चाहिए। तुम्हारे किए हुए हर बुरे काम की सजा तुम्हें यहीं मिलेगी, यहीं। सोम! मौत में भी मां का तसव्वुर? ये क्या इसके मरने की उम्र थी बोलो? इस लड़के को जीने दो, इसे छोड़ दो, ऐसा मेरा दिल कह रहा था। अगर छोड़ देता तो सब लोग इसी के रास्ते पे अपनी दुनिया चुनते। इस रास्ते को चुनने वाले का यही अंजाम होता है, इसलिए मैंने इसका एनकाउंटर किया। दैट्स एंड फॉर ऑल द क्राइम्स। किलर्स हैव टू बी किल्ड। रेस्ट इन पीस माय बॉय। डेडली सोम इज डेड कह के फाइल क्लोज कर दो। और इस तरह खत्म होती है मुंबई अंडरवर्ल्ड के डेडली डॉन सोम की दर्दनाक दास्तान। राजशेखर और चंदू गुंडागर्दी की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाकर नई जिंदगी बसर कर रहे हैं। उम्मीद है आपको यह दास्तान पसंद आई होगी।
बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है।